एलडीए से अनुमति नहीं दिए जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जेपीएनआईसी की बाउंड्री पर चढ़ गए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को एशियन गेम्स में जाने की भी सलाह दी डाली। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चरण से सिद्ध को हो गया है कि सपा को अराजकता और गुंडई पसंद है। आइए सुनवाते हैं डिप्टी सीएम ने आगे क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी को अराजकता और गुंडई पसंद है, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने मल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते, हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। समाजवादी